नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों की फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। हरियाणा वासियों के लिए मौसम अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ फिर दिखाएगा असर। 11 से 13 मई तक बारिश की संभावना, 15 मई तक ठंडक बनी रहेगी। तपती गर्मी के बीच शुक्रवार को हुई बारिश ने हरियाणा के मौसम में ठंडक घोल दी है। बारिश का यह दौर अभी कुछ दिन और देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ फिर अपना असर दिखाएगा, इसके 10 मई को आने की संभावना है। इसके असर से 11 से 13 मई तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। सिरसा में कपड़ों की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने 3 घंटे में बुझाई आग। सिरसा जिले के कालामवली में शनिवार सुबह एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। इसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। कालामवली व डबवाली से आई दमकल की 4 गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लॉकडाउन में भी नहीं रुक रही तस्करी, 3 गाड़ियों से 4,080 बोतल शराब बरामद, 4 गिरफ्तार। लॉकडाउन की पालना को लेकर जिला पुलिस द्वारा की गई नाकाबंदी के दौरान भूना पुलिस ने भारी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने बस अड्डा सानियाना के समीप नाकाबंदी के दौरान 3 गाड़ियों से 340 पेटी शराब बरामद कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान रणवीर विनोद उर्फ धोलिया व सोहन निवासी सानियाना तथा सुरेंद्र निवासी ढाड़ी भोजराज के रूप में हुई है। दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला को मारी गोली। जींद नगर की सीता श्याम कॉलोनी स्थित एक घर में घुसकर युवक ने महिला को गोली मार दी। इस घटना में महिला बुरी तरह से घायल हो गई। खून से लथपथ महिला को सफीदों के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया। परिजन उसे पानीपत के किसी निजी अस्पताल में ले गए। बिजली निगम ने 24 घंटे आपूर्ति देने के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने कोरोना मरीजों के उपचार और व्यवस्था में लगे चिकित्सा संस्थानों, कॉलेज, अस्पताल, क्वारंटाइन सेंटर, डिस्पेंसरी और ऑक्सीजन निर्माता यूनिट की मशीनरी को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के लिए हिसार और दिल्ली जोन में जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। हरियाणा में पत्रकारों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। कोरोना संकट के इस घड़ी में पत्रकारों द्वारा समर्पित रूप से दी जा रही सेवाओं को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के सभी मीडिया कर्मियों के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को यहाँ राज्य में कोविड-19 स्थिति के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मीडिया कर्मियों के स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर टीकाकरण अभियान के दौरान प्रत्येक मीडिया कर्मी को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। गांव में टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट रणनीति अपनाए सीएम मनोहर लाल। वैश्विक कोरोना महामारी के शहरों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे प्रसार को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने गांव में टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट रणनीति को अपनाते हुए 8,000 मल्टीडिसिप्लिनरी टीमों के गठन का निर्णय लिया है। ये टीमें गाँव में कोविड-19 जाँच के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग करेंगी। गृह मंत्री विज हुए सख्त, कोरोना में कालाबाजारी व मुनाफाखोरी की शिकायत के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में एम्बुलेंस संचालकों द्वारा मनमाने दाम वसूले जाने और दवाइयों की कालाबाजारी व मुनाफाखोरी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। ऐसे मामलों में अभी तक 45 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुंडाल गांव में एक सप्ताह में 30 लोगों की मौत, पंचायत ने लगाया पूर्ण लॉकडाउन। शहर के बाद कोरोना का संक्रमण गांव में बढ़ने के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। भिवानी जिले मुंडाल गांव में एक सप्ताह के भीतर तीनों गांव मुंडाल खुर्द, मुंडाल कला व पड़ोसी गांव में 30 लोगों की मौत हो गई। वह बात दिगर है कि ये सभी कोरोना संक्रमित नहीं थे, लेकिन इनमें से आधे लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया था तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, बाकी मरने वालों का कोरोना टेस्ट नहीं हो पाया था। हरियाणा रेडक्रॉस सोसाइटी कोरोना महामारी में सहायता के लिए पूरी तरह से तैयार, राज्यपाल। कोरोना महामारी के संकट की इस घड़ी में प्रदेश के लोगों की हर संभव सहायता के लिए पूरी तरह तैयार है। यह बात हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, जो हरियाणा रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, ने यहां हरियाणा राजभवन से फरीदाबाद में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी व भारत विकास परिषद के सहयोग से तैयार किए गए 75 बेड के कोविड अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन करने के बाद कही। भय के साए में ड्यूटी कर रहे रोडवेज कर्मी, 10 दिनों में 5 परिचालक संक्रमित, 3 कर्मचारियों की मौत। कोरोना संक्रमण के बीच गत वर्ष लगे लॉकडाउन में जब परिवहन गतिविधियां शुरू की गई थी, तब थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर मास्क सैनिटाइजेशन जैसी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही बसों में एंट्री होती थी, लेकिन अब ऐसे किसी भी तरह की व्यवस्था बस अड्डे पर नजर नहीं आ रही है। पिछले 10 दिनों में रोडवेज के 15 परिचालक संक्रमित हो चुके हैं तो 3 कर्मचारियों की जान जा चुकी है।
रोहतक पीजीआई के 33 रेजिडेंट्स डॉक्टर की लिस्ट तैयार, डेपुटेशन पर जाना होगा। आखिरकार पीजीआई ने अपने 33 रेजिडेंट्स डॉक्टर्स को डेपुटेशन पर भेजने का निर्णय ले ही लिया। डीएमईआर का पत्र आने के बाद संस्थान असमंजस में था, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो गई है और रेजिडेंट्स डॉक्टर्स को डेपुटेशन पर जाना ही होगा। पीजीआई के निदेशक ने ऑर्डर तैयार कर दिए हैं। डेपुटेशन पर जाने वाले डॉक्टर्स अपने अपने विभाग के अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। हाईकोर्ट ने कहा, तत्काल अपनी ऑक्सीजन पॉलिसी पर पुनर्विचार करे केंद्र सरकार। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की ऑक्सीजन आवंटन नीति पर सवाल उठाते हुए फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि हालत बेहद गंभीर हो रहे हैं और ऐसे हालात में केंद्र सरकार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार न करे और तत्काल अपनी ऑक्सीजन पॉलिसी पर पुनर्विचार करे, जिसके तहत वह राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। जस्टिस राजन गुप्ता एवं जस्टिस करमजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश कोरोना के मौजूदा हालात पर हाईकोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। गेहूं बेचने के बाद अब किसानों को पेमेंट आने का इंतजार। गेहूं बेचने के बाद अब किसानों को उनके खाते में पेमेंट आने का इंतजार है। अनेकों किसानों को तो गेहूं बेचे 20 से 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक पेमेंट उनके खाते में नहीं आ रही है। किसानों ने कहा कि जो खरीद के 72 घंटे के बाद पेमेंट किसानों की करने के दावे सरकार के थे, वो हवा हवाई हो गए हैं। पेमेंट को कई दिन हो चुके हैं, लेकिन उनके खाते में नहीं आ रही है। निजी अस्पताल में मरीज को दाखिल करने का खर्चा प्रतिदिन 50,000, मरीज के परिजनों ने की शिकायत। पटियाला चौक क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल द्वारा मरीज को दाखिल करने के लिए प्रतिदिन 50,000 रुपए का खर्चा बताने की शिकायत मिली है। शिकायत पर रोडवेज जीएम एवं नोडल ऑफिसर बिजेंद्र हुडा ने के नेतृत्व में छापामारी की गई। टीम द्वारा अस्पताल तथा उनके रिकॉर्ड को चेक किया गया। अस्पताल में कोई मरीज दाखिल नहीं मिला। फिलहाल टीम इस मामले में कानूनी पक्ष लेगा और उसके बाद आगामी कार्यवाही के लिए डीसी को मामला भेजा जाएगा। प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन के सही वितरण के लिए जिला स्तरीय समिति का पुनर्गठन। हरियाणा सरकार ने राज्य भर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के सही वितरण के लिए आज जिला स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया है, ताकि इस इंजेक्शन के अंधाधुंध उपयोग के बजाय केवल वांछित रोगी को ही यह इंजेक्शन दिया जा सके। इस इंजेक्शन का उपयोग कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला स्तरीय समिति के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मुफ्त में मिलेगी 5,000 रुपए की कोरोना किट। जाने क्या क्या है इसमें। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड मरीजों के लिए एक ऐसी किट तैयार की है, जिसमें कोविड से बचाव के लिए तमाम एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ ज़रूरी उपकरण होंगे। इन उपकरणों का इस्तेमाल कर मरीज न केवल अपनी हालत का अनुमान लगा सकते हैं, बल्कि दवाइयों का नियमित सेवन करते हुए कोरोना को शिकस्त भी दे सकते हैं। इस किट की कीमत 4,000 से 5,000 रुपये है। बता दें, पंजाब पहले ही ऐसे किट मरीजों को मुफ्त में दे रही है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा ने कहा, कोरोना पर एक साल हाथ पर हाथ धरे बैठी रही भाजपा जजपा सरकार। हरियाणा में कोरोना के विरुद्ध लड़ी जा रही लड़ाई के विरुद्ध कांग्रेस ने भाजपा जजपा गठबंधन सरकार की तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि यहां एक के बाद एक कई जिलों के कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें जनता को राहत दिलाने के निर्देश दिए। वहीं दोनों नेताओं ने कहा कि सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। जींद के गांव में पहुंचा कोरोना। किला जफरगढ़ में 10, 21 में 8, खोखरी में 6 की मौत। कोरोना महामारी ने अब शहर के साथ गांव के लोगों को भी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। खासकर शहर के साथ लगते गांवों में कोरोना से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। अप्रैल और मई में एकाएक हो रही मौतों ने गाँव के लोगों में भी डर बिठा दिया है। बारिश के कारण भीगे गेहूं के हजारों बैग, आढ़ती बोले खरीद एजेंसियों ने समय पर उठान नहीं किया। तेज आंधी व बारिश के कारण नगूरा खरीद सेंटर पर गेहूं के हजारों बैग भीग गए, जिसमें आढ़तियों में खरीद एजेंसी एफसीआई के खिलाफ रोष है। आढ़तियों ने बताया कि वीरवार शाम के समय आई तेज आंधी व बारिश के कारण खरीद सेंटर पर खरीदे गए गेहूं के हजारों बैग भीग गए। उन्होंने गेहूं के बैग को बारिश में भीगने से बचाने के लिए तिरपाल ढकने की लाख कोशिश की, लेकिन तेज हवा चलने के कारण तिरपाल उड़ गए, जिससे गेहूं के बैग भीग गए। कोरोना से बढ़ता डिप्रेशन, डॉक्टर पति आया पॉजिटिव तो डॉक्टर पत्नी ने फांसी लगाकर दे दी जान। देश में कोरोना संकट के बीच एक ओर तो डॉक्टर दिन रात मरीजों की जान बचाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी वजह से कई लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। पानीपत की अंसर सोसाइटी में एक डॉक्टर की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल डॉक्टर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी और वहीं घर में आइसोलेट था, तभी उसकी पत्नी ने दूसरे कमरे में फांसी लगा ली। किरण चौधरी की सीएम से मांग, बंद एमके हॉस्पिटल को बनाया जाए कोविड सेंटर।
पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी ने कोरोना महामारी से दिन प्रतिदिन बिगड़ते हालात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए तत्काल जरूरी प्रभावी कदम उठाने की नसीहत दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मांग की है कि भिवानी में बंद पड़े एमके हॉस्पिटल को तुरंत कोविड सेंटर बनाया जाए। 100 बेड के इस हॉस्पिटल में मेडिकल की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों। इस फैसले से भिवानी और आसपास के इलाके के लोगों को बड़ा फायदा होगा। किसानों की स्वास्थ्य जांच के लिए धरना स्थल पर पहुंचा नर्सिंग छात्राओं का एक दल। कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली की सीमाओं पर गत लगभग 5 महीनों से डेरा डाले हुए हैं। इन्हीं किसानों की स्वास्थ्य जांच के लिए हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रबंधन कमेटी व नर्सिंग की छात्राएं पहल करते हुए टीकरी बॉर्डर पर पहुंची हैं। लॉकडाउन में 500 लोगों ने की नमाज अदा, मौलवी गिरफ्तार। फरीदाबाद में प्रदेश में जहां एक तरफ कोरोना को लेकर लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी की एक मस्जिद में नमाज के लिए इकट्ठे हुए करीब 500 लोगों के द्वारा नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मस्जिद के इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे ने अनिश्चितकाल के लिए बंद की पंजाब हरियाणा से चलने वाली शताब्दी समेत 18 ट्रेनें, आदेश जारी। कोरोना महामारी फैलने के कारण पैदा हुए हालातों का असर अब रेलवे सेवाओं पर भी पड़ने लगा है, इसलिए रेलवे ने शताब्दी व जन शताब्दी एक्सप्रेस समेत 18 ट्रेनों को अगले आदेशों तक बंद कर दिया है। वाया अंबाला विभिन्न राज्यों में जाने वाली ये ट्रेनें 9 मई से रद्द रहेंगी। यात्रियों की कम संख्या ट्रेनें बंद करने का कारण बनी। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। अब कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।